हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल बिजनेस मैनेजमेंट की यूनिट 2। हम इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस वीडियोस में हमने टाइप्स ऑफ प्लान्स जाने, काफी बड़ा टॉपिक था जिसमें हमने स्टैंडिंग प्लान्स और सिंगल यूज प्लान्स को काफी डिटेल में पढ़ा और समझा। आई होप आपको वो वीडियो समझ आई होगी, उसमें जो भी टॉपिक्स थे वो आपको समझ आए होंगे। सबसे मेन चीज़ आपने वो वीडियोस देखी होंगी, राइट? और अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप उनको जाके देखें, फिर इसको कंटिन्यू करें। ये चैप्टर नंबर 9 है बिजनेस मैनेजमेंट का, जिसका नाम है डिसीजन मेकिंग। ठीक है, तो कुछ टॉपिक्स जो हम करने वाले हैं डिसीजन मेकिंग चैप्टर से इस वीडियो में, वो है कॉन्सेप्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग। मतलब क्या कॉन्सेप्ट है डिसीजन मेकिंग का, क्या होता है ये, वो हम यहाँ पे आगे जान रहे होंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स हम जानेंगे डिसीजन मेकिंग की, क्या फीचर्स होते हैं डिसीजन मेकिंग के, वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे आगे। और क्या इंपॉर्टेंस होती है किसी बिजनेस के अंदर डिसीजन मेकिंग की, वो हम आगे पढ़ेंगे, राइट? तो अगर आपने प्रीवियस वीडियोस अभी तक नहीं देखी तो उनको जाके देखें, फिर इसको कंटिन्यू करें। चैप्टर नंबर 9 है बिजनेस मैनेजमेंट का, जो कि आने वाली एक दो वीडियोस में कवर हो जाएगा। पूरी तरह से हम इसको पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, और बस फिलहाल जो भी टॉपिक्स हम इस वीडियो में कवर करने हैं उनको पढ़ना और समझना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे डिसीजन मेकिंग का कॉन्सेप्ट। अब ये डिसीजन मेकिंग होता क्या है? आप कुछ भी डिसाइड कर रहे हैं, ठीक है? आपके पास एक काम को करने के काफी सारे तरीके हो सकते हैं, हमने पहले भी ये जाना, ठीक है? आपके पास कुछ भी, आपके पास कोई टास्क है, कुछ एक्टिविटी आप कर रहे हैं, तो उसके करने के काफी सारे तरीके हो सकते हैं। उस सारे तरीके में से आपको कोई एक तरीका चूज करना है, ठीक है? एक तरीका आपको डिसाइड करना है जिससे आप वो अपना काम करेंगे और वो काम आपका हो भी जाएगा, क्योंकि वो एक बेस्ट तरीका होगा जो कि आप डिसाइड करेंगे, राइट? तो वही चीज यहां पर है। डिसीजन इज एन आर्ट ऑफ चॉइस वेयर इन एग्जीक्यूटिव फॉर्म्स आ कंक्लूजन अबाउट वॉट मस्ट बी डन इन अ गिवन सिचुएशन। एक जो सिचुएशन है उसमें हमें क्या क्या चीज करनी है, मतलब कैसे उस सिचुएशन से बाहर निकलना है। डिसीजन रिप्रेजेंट्स अ कोर्स ऑफ बिहेवियर चूजन फ्रॉम अ नंबर ऑफ पॉसिबल ऑल्टरनेटिव्स। बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स में से हमें एक पॉसिबल ऑल्टरनेटिव चूज करना है जिससे कि हम उस पर्टिकुलर सिचुएशन से बाहर निकलेंगे, राइट? तो ये कुछ डेफिनेशन यहाँ पर दी हैं डिसीजन मेकिंग की। आप इसमें से कुछ भी पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, लिख सकते हैं एग्जाम में, राइट? डिसीजन मेकिंग इज द सिलेक्शन बेस्ड ऑन सम क्राइटेरिया फ्रॉम टू और मोर पॉसिबल ऑल्टरनेटिव्स। तीनों में एक ही चीज लिखी हुई है, बस थोड़ी घुमा फिरा कर है। डिसीजन मेकिंग क्या है? सिलेक्शन है किसी एक बढ़िया से क्राइटेरिया का। बहुत सारे ऑल्टरनेटिव हमारे पास हैं, राइट? उसमें से कोई एक हमें क्राइटेरिया चूज करना है जिससे हमारा वो टास्क कंप्लीट होगा, वही हमारा डिसीजन मेकिंग होती है। हमें कोई एक क्राइटेरिया डिसाइड करना है, राइट? हमें एक ऑल्टरनेटिव डिसाइड करना है। डिसीजन मेकिंग मे बी डिफाइंड एज अ सिलेक्शन बेस्ड ऑन सम क्राइटेरिया ऑफ वन बिहेवियर ऑल्टरनेटिव फ्रॉम टू और मोर पॉसिबल ऑल्टरनेटिव टू डिसाइड मीन्स टू कट ऑफ और इन प्रैक्टिकल कॉन्टेंट टू कम टू अ कंक्लूजन। जब आपने बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स में से कोई एक बेस्ट ऑल्टरनेटिव चूज कर लोगे तो आप फिर थोड़ा दिमाग लगाओगे बैठ के कि अगर मैं ये चूज करूंगा तो शायद ये वाला काम मेरा इतनी देर में होगा, ठीक है? अगर मैं दूसरा ऑल्टरनेटिव कोई चूज करूंगा तो उसमें थोड़ी देर लगेगी, तीसरे में थोड़ी और देर लगेगी। तो आप ये चीज डिसाइड करोगे कि आपको कौन सा ऑल्टरनेटिव जो है बेस्ट आउटकम दे रहा है, राइट? कौन से आइडिया से आपका जो काम है वो इफेक्टिवली हो जाएगा, एफिशिएंटली हो जाएगा, तो वही आप ऑल्टरनेटिव चूज करोगे और वही डिसीजन मेकिंग है। आप डिसाइड कर रहे हो कि किस तरीके से मेरा काम जल्दी हो सकता है, इजीली हो सकता है, बस वही आपका डिसीजन मेकिंग कॉन्सेप्ट कहता है, राइट? तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट डिसीजन मेकिंग का। आई होप आपको समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं फीचर्स, या फिर कहें तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिसीजन मेकिंग, ठीक है? क्या क्या इसके फीचर्स होते हैं? नंबर वन, डिसीजन इज द चॉइस ऑफ द बेस्ट कोर्स अमंग ऑल्टरनेटिव। तो जो डिसीजन है वो एक चॉइस है बेस्ट कोर्स की अमंग ऑल्टरनेटिव्स, यानी कि जो बाकी सारे ऑप्शंस हैं उसमें से हमें कोई एक बेस्ट कोर्स या फिर बेस्ट ऑल्टरनेटिव चूज करना है बाकी सब में से, राइट? डिसीजन मेकिंग इज अ मेंटल प्रोसेस बिकॉज द फाइनल सिलेक्शन इज मेड आफ्टर थॉटफुल कंसिडरेशन। इसकी एक फीचर ये भी है कि जो डिसीजन मेकिंग है वो मेंटल प्रोसेस है, ठीक है? आप इसको लिख कर नहीं देख सकते, आप इसको मेंटली सोचोगे, ठीक है? ये एक पूरा प्रोसेस है, आप इसको पूरा मेंटली सोचोगे, दिमाग से सोचते हो यार, ठीक है? बिकॉज द फाइनल सिलेक्शन इज मेड आफ्टर थॉटफुल कंसिडरेशन। आपको एक बहुत ज्यादा इस पर विचार करना है, ठीक है? एक थॉटफुल कंसिडरेशन के बाद आपका एक फाइनल सिलेक्शन होगा उस डिसीजन का, राइट? जो भी ऑल्टरनेटिव आपको चूज करना है वो काफी थॉटफुल कंसिडरेशन के बाद होगा। आप बहुत सारी चीजें सोचोगे पहले दिमाग में, उसके बाद आप किसी नतीजे पर आओगे कि मुझे यही आइडिया आगे लेकर चलना है और अपने टास्क को कंप्लीट करना है, राइट? नंबर थ्री, डिसीजन इन्वॉल्व्स रेशनैलिटी बिकॉज थ्रू डिसीजंस एंड एंडिवर इज मेड टू बेटर वंस हैप्पीनेस। डिसीजन में रेशनैलिटी इन्वॉल्व होती है बिकॉज थ्रू डिसीजन। अब ये रेशनैलिटी क्या होती है पहले ये जानो, मतलब कि डिसीजन में कुछ सेंस होना चाहिए उस डिसीजन का, कुछ उसमें लॉजिक होना चाहिए, कुछ रीजन उसका होना चाहिए, ठीक है? जो भी हमने ऑल्टरनेटिव डिसाइड किया है उसका कुछ लॉजिक, रीजन, सेंस होना चाहिए, क्योंकि उस ही डिसीजन से हम आगे अपना टास्क कंप्लीट करेंगे और उससे किसी की खुशी भी जुड़ी होती है जो हमने डिसाइड किया है, राइट? या जो भी हमें टास्क मिला है उसको कंप्लीट करने ना करने से किसी की हैप्पीनेस पर भी फर्क पड़ सकता है, राइट? डिसीजन इज एम्ड एट अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। डिसीजन का जो एम रहता है वो रहता है कि जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के वो अचीव हो सके, ठीक है?
जो भी, अगर हम किसी बिजनेस को लेकर बात कर रहे हैं, हम डेली लाइफ से बात कर रहे हैं, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो डिसाइड हम करते हैं, ठीक है, हमें अपने टास्क को कैसे कंप्लीट करना है, हमें अपना डेली टू डेली रूटीन जो है उसको कैसे पूरा करना है, या फिर जो भी हमारे डे टू डे गोल्स हैं, डे टू डे ऑब्जेक्टिव्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो हमें कैसे अचीव करना है, ऑल डिपेंड्स ऑन अवर डिसीजन, राइट। नंबर 5, डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व अ सर्टेन कमिटमेंट। डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व होती है एक कमिटमेंट, राइट। दिस कमिटमेंट मे बी फॉर शॉर्ट रन और लॉन्ग रन डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ डिसीजन। अब हमें कैसा डिसीजन लेना है वो उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। जो हमें डिसीजन हम ले रहे हैं वो किस टाइप का डिसीजन है, तो वो शॉर्ट रन हो सकता है, कोई लॉन्ग रन डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है, एक कम समय के लिए हम कोई डिसीजन ले सकते हैं, या फिर एक लंबे समय के लिए हम कोई डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है। तो वो सब कुछ डिपेंड करेगा हमारा डिसीजन क्या है, किस तरह का हमारा डिसीजन है जो हम लेने वाले हैं, ठीक है। हमारी लाइफ में भी ऐसा होता है कि हमें कोई छोटा डिसीजन लेना होता है, कोई बहुत बड़े डिसीजन हमें लेने होते हैं, ठीक है। कोई छोटे शॉर्ट रन के लिए हम डिसीजन लेते हैं, कुछ लॉन्ग रन के लिए हम डिसीजन लेते हैं, तो उसमें एक कमिटमेंट इन्वॉल्व होती है, ठीक है। वो कमिटमेंट हो सकती है कोई शॉर्ट रन भी, लॉन्ग रन भी, और वो डिपेंड करेगी किस पे, हमारे टाइप ऑफ डिसीजन पर, राइट। आगे बढ़ते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ डिसीजन मेकिंग। अब सबसे ज्यादा मेन टॉपिक जो हमारा इसमें आता है कॉन्सेप्ट के बाद, वो है इंपॉर्टेंस, राइट। जो फीचर्स हैं वो एक नॉर्मल चीज है, लेकिन इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। तो यानी कि इंपॉर्टेंस ऑफ डिसीजन मेकिंग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर हम देख रहे हैं इसको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। नंबर 1, अचीवमेंट ऑफ गोल या फिर ऑब्जेक्टिव। तो डिसीजन मेकिंग की नंबर 1 इंपॉर्टेंस क्या है कि इससे हम अपने गोल्स या फिर अपने ऑब्जेक्टिव जो है अचीव कर सकते हैं, ठीक है। आप इसको डेली लाइफ से भी रिलेट कर सकते हो, आप इसको किसी बिजनेस से भी रिलेट कर सकते हो। डिसीजन मेकिंग इज इंपॉर्टेंट टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स ऑब्जेक्टिव विद इन गिवन टाइम एंड बजट। एक पर्टिकुलर समय के अंदर या फिर एक पर्टिकुलर बजट के अंदर हम अपने जो भी हमारे गोल्स हैं उनको अचीव कर सकते हैं बिकॉज ऑफ डिसीजन। इट सर्चेज द बेस्ट ऑल्टरनेटिव, यूटिलाइजेज द सोर्स प्रॉपरली एंड सेटिस्फाइज द एम्प्लॉयज एट द वर्क प्लेस। इससे हम एक अच्छा ऑल्टरनेटिव चूज कर सकते हैं, ठीक है, जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनको यूटिलाइज कर सकते हैं प्रॉपरली और सेटिस्फाई कर सकते हैं एम्प्लॉयज को एट द वर्क प्लेस। एज अ रिजल्ट ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स और ऑब्जेक्टिव कैन बी अचीव एज पर द डिजायर रिजल्ट। तो इससे क्या होगा, जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव हैं किसी ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स हैं जो भी हमारे, ठीक है, या फिर कोई भी ऑब्जेक्टिव है किसी बिजनेस का, वो अचीव कर सकते हैं हम एज पर द डिजायर रिजल्ट। जो भी हमने सोच रखा है कि हमें ये चीजें ऐसे ही कंप्लीट करनी है और इसके ऐसे अच्छे रिजल्ट होने चाहिए, उसके अकॉर्डिंग ही हम अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं, राइट। नंबर 2 है एम्प्लॉयज मोटिवेशन। एम्प्लॉयज को काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है डिसीजन मेकिंग की वजह से। एक ऑब्वियसली बात है, जब आपको गाइडेंस मिल जाती है कि आपको कोई टास्क कैसे कैसे कंप्लीट करना है, आपको कैसे कैसे आगे बढ़ना है, तो आप अपने आप मोटिवेट हो जाते हो, ठीक है। इसको एक बार रीड करते हैं, डिसीजन मेकिंग इज इंपॉर्टेंट टू मोटिवेट द एम्प्लॉयज। डिसीजन मेकिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है मोटिवेट करने के लिए एम्प्लॉयज को विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। इट प्रोवाइड्स एन ओवरऑल फ्रेमवर्क ऑफ ऑपरेशन। ये क्या प्रोवाइड करती है, एक ओवरऑल फ्रेमवर्क, मतलब आपको पूरी तरह से कैसे कैसे काम करना है आगे, कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप वर्क करना है। गाइडलाइंस आपको मिल जाती है टू द ऑपरेशन लेवल, ठीक है, ऑपरेटिंग लेवल ऑफ स्टाफ। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैसिलिटीज एंड बेनिफिट्स ऑन टाइम। इससे काफी तरह की आपको फैसिलिटीज बेनिफिट्स मिल जाते हैं टाइम टू टाइम बिल्कुल। एज अ रिजल्ट एम्प्लॉयज आर मोटिवेटेड टू देयर जॉब और वर्क एज पर द ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट्स। तो जो एम्प्लॉयज होते हैं वो काफी ज्यादा मोटिवेटेड रहते हैं अपनी जॉब पर, अपने वर्क पर, एज पर द जो भी रिक्वायरमेंट होती है किसी ऑर्गेनाइजेशन को। देखो, एम्प्लॉयज को कौन मोटिवेट करेगा, जो उनके अपर लेवल पर मैनेजर्स होंगे। जो मैनेजर्स होते हैं वो क्या काम करते हैं, थोड़ी गाइडेंस देते हैं अपने एम्प्लॉयज को, जो उनके सबॉर्डिनेट्स होते हैं यानी कि एम्प्लॉयज, उनको गाइडेंस मिलती है। तो अल्टीमेटली एम्प्लॉयज जो है काफी ज्यादा मोटिवेट हो जाते हैं। डिसाइड कौन कर रहा है, जो ऊपर अपर लेवल पर बैठे हैं लोग वो, ठीक है। तो वो अपने व्यूज जो है, वो जो भी अपने ओपिनियंस है वो एम्प्लॉयज के साथ शेयर करते हैं और एम्प्लॉयज कहीं ना कहीं उससे मोटिवेट होते हैं और अपने काम को आगे बढ़ाते हैं और ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करते हैं, राइट। नंबर 3 है प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। जो भी रिसोर्सेज किसी बिजनेस के अंदर होते हैं वो पूरी कहें तो प्रॉपर यूटिलाइजेशन का हो जाता है, ठीक है, प्रॉपरली वो यूटिलाइज हो जाते हैं, ठीक है, उनका कुछ भी नुकसान नहीं होता रिसोर्सेज का। एन ऑर्गेनाइजेशन हैज वेरियस रिसोर्सेज लाइक मैन, मनी, मेथड, मटेरियल, मशीन, मार्केट एंड इन्फॉर्मेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काफी सारे रिसोर्सेज होते हैं, जैसे कि मैन अपने आप में एक रिसोर्स है जो कि इम्प्लॉयज वहां पर हो गए वर्क करने वाले वर्कर्स, मनी यानी कि पैसा, मेथड उनको काम करने का तरीका, मटेरियल जो भी वो सामान यूज करेंगे, मशीन यानी कि मशीनरी, मार्केट एंड इन्फॉर्मेशन, ये एक बहुत अच्छे रिसोर्सेज हैं किसी भी बिजनेस के अंदर। ऑल दीज रिसोर्सेज आर प्रॉपरली यूटिलाइज विदाउट एनी लीकेज एंड वेस्टेज। इन सारे ही रिसोर्सेज का काफी ज्यादा अच्छे से यूज हो जाता है, प्रॉपरली यूटिलाइज हो जाता है बिना किसी लीकेज के, बिना किसी वेस्टेज के, विद द हेल्प ऑफ डिसीजन मेकिंग, ठीक है। राइट डिसीजन एट द राइट टाइम, एक सही समय पर सही डिसीजन लेके इन सब चीजों का अच्छे से यूटिलाइजेशन वो कर सकते हैं। एज अ रिजल्ट एन ऑर्गेनाइजेशन कैन ऑपरेट अ मिनिमम कॉस्ट। इससे क्या होगा, जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी कम से कम कॉस्ट लगेगी और उनके टास्क भी अच्छे से अचीव हो जाएंगे, जो भी उनका ऑब्जेक्टिव है वो पूरी तरह से कंप्लीट या फिर कहें तो अचीव हो जाएंगे।
नंबर फोर है सिलेक्टिंग द बेस्ट ऑल्टरनेटिव। डिसीजन मेकिंग यही एक हेल्प करता है सबसे मेन, जो कि है बेस्ट ऑल्टरनेटिव चूज करना, जो कि हमने अभी कॉन्सेप्ट में जाना कि बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स में आपको एक बेस्ट ऑल्टरनेटिव चूज करने का मौका मिल जाता है डिसीजन लेने की वजह से। जब आप डिसाइड करते हैं कि मुझे ये काम किस डिसीजन सॉरी किस क्राइटेरिया से करना है, किस ऑल्टरनेटिव से करना है, किस आइडिया से मुझे इस काम को कंप्लीट करना है, तो वही है कि इससे आप एक बेस्ट ऑल्टरनेटिव चूज कर सकते हैं डिसीजन मेकिंग की वजह से। एज वी नो दैट द प्रॉब्लम हैज मल्टीपल सॉल्यूशन, जैसा कि हमें पता है कि एक प्रॉब्लम के बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं। डिसीजन मेकिंग इज इंपॉर्टेंट टू सिलेक्ट द बेस्ट ऑल्टरनेटिव अमंग वेरियस ऑल्टरनेटिव्स। जो डिसीजन मेकिंग है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है टू सिलेक्ट द बेस्ट ऑल्टरनेटिव। किसी बेस्ट ऑल्टरनेटिव को चूज करने के लिए, सिलेक्ट करने के लिए किस में से सिलेक्ट करेंगे हम, जो बहुत सारे ऑल्टरनेटिव, जो बहुत सारे रास्ते हमारे पास हैं उनमें से, बाय एनालाइजिंग दैम वन बाय वन यूजिंग वेरियस फाइनेंशियल स्टैटिस्टिकल एंड अकाउंटिंग टूल्स टेक्निक्स। हम चूज कैसे करेंगे, बहुत सारी चीजें एनालाइसिस करेंगे, जैसे कि हमारी फाइनेंशियल चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगी, स्टैटिस्टिकल वे पर हमें उसको देखना पड़ेगा, अकाउंटिंग टूल्स हमें देखने पड़ेंगे, टेक्निक्स हमें देखनी पड़ेंगी, राइट। तो वही चीज़ है कि हमें एक बेस्ट ऑल्टरनेटिव चूज करना है। एक प्रॉब्लम के कई सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं, बहुत सारे सॉल्यूशंस में से हमें एक बेस्ट सॉल्यूशन जो है सिलेक्ट करना है उस प्रॉब्लम से निकलने के लिए, राइट। नंबर सिक्स नहीं है ये, नंबर फाइव है, सिक्स नंबर पड़ा है पर है फिफ्थ पॉइंट, इंडिस्पेंसेबल एलिमेंट या फिर कहें तो कॉम्पोनेंट। एक बहुत ज़्यादा जरूरी चीज़ है डिसीजन मेकिंग किसी भी बिजनेस के अंदर। कैसे? डिसीजन मेकिंग इज एन इंडिस्पेंसेबल एलिमेंट या फिर कहें तो कॉम्पोनेंट फॉर ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस, बिकॉज विदाउट टेकिंग द राइट डिसीजन एट द राइट टाइम नथिंग कैन बी परफॉर्म्ड एज पर द प्लान। देखो कितनी जरूरी चीज़ यहाँ पर है कि किसी भी बिजनेस की सक्सेस के लिए वहाँ पर डिसीजन मेकिंग का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्यों? अगर हम सही समय पर सही डिसीजन नहीं लेंगे तो कोई भी चीज़ हमारी प्लान के अकॉर्डिंग चलेगी ही नहीं। तो डिसीजन मेकिंग काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। हमने कुछ चीज़ें प्लान की हुई हैं, ठीक है, तो जब हमने सब कुछ प्लान कर लिया है तो हमें सही समय पर सही डिसीजन भी लेना पड़ेगा, ठीक, तभी हमारे बिजनेस की जो सक्सेस है उसके होने के चांसेस बढ़ेंगे, राइट। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंस डिसीजन मेकिंग की, हमने इसमें जाने कुछ फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स कहें या फिर फीचर्स कहें डिसीजन मेकिंग के, वो हमने यहाँ पर पढ़े और हमने डिसीजन मेकिंग का कॉन्सेप्ट इस वीडियो में पढ़ा। आने वाली वीडियोज़ में एक या दो वीडियो में ये खत्म हो जाएगा पूरा चैप्टर, और इंटरेस्टिंग टॉपिक है आगे भी, उनको पढ़ेंगे समझेंगे आने वाली वीडियोज़ में पढ़ेंगे, लेकिन राइट इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपने प्रीवियस वीडियोज़ अभी तक नहीं देखी तो उनको जाके देखें, और मिलते हैं अगली वीडियो में। आने वाली वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।